أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Dawa Sharia Khan I welcome all of you once again on the platform of CSS Brindvi and particularly in the orientation session of English Prezi and Composition without wasting any time as I always say a few things before the start of orientation session that what is the purpose of orientation session हमेशा मैं ये चीज हमेशा ओरिएंटेशन सेशन में कहता हूँ इस सेशन में भी कहूंगा कि द पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन सेशन इज नॉट टू कन्विंस यू टू ज्वाइन दैट बैच ये कभी भी पर्पस नहीं रहा ओरिएंटेशन सेशन का चाहे वो करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का हो इंग्लिश ऐसे का हो पॉलिटिकल साइंस का हो या इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन का इसका पर्पस हमेशा यह रहा है दो तीन बेसिकली ऑब्जेक्टिव द फर्स्ट पॉइंट is to realize you the importance of the subject. ऐसे में भी खास तौर पे ये point था. Optional का कोई subject हो उसमें भी है और खास तौर पे English Prezi के composition में भी पहला point यही है जिसके बारे में हम discussion करेंगे. What is the importance of this subject? First thing. Second thing to give you the roadmap to give you the detail preparation strategy. रिगार्डिंग द सब्जेक्ट आपको पूरा रोड मैप बताया जाए कि भाई सब्जेक्ट को किस तरह प्रिपेयर करने चाहिए और फोकस्ड एरियाज बताए जाए कि भाई ये कुछ फोकस्ड एरियाज हैं इन विच यू नीड टू वर्क हार्डर एज कंपेयर टू अदर एरियाज एंड द थर्ड वन व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स एंड जनरल एरर्स कमिटेड बाय द एस्पायरेंट्स वो कौन से एरर्स हैं वो कौन से जनरल मिस्टेक्स हैं जो एस्पायरेंट्स कमिट करते हैं जिसकी वजह से वो या तो लो स्कोर करते हैं or fail to qualify this paper it means english prezi and composition and the last stage aapko ye bataya jaye ki if you join our platform then what will be the preparation strategy theek hai ji to ye teen se char purpose hain inhi ke around ye lecture hamara revolve karne wala hai again if you have any question regarding the subject regarding this lecture you can ask in the chat box ek dusre ko jawab na kare डायरेक्ट मुझे एड्रेस करिएगा इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इंशाल्लाह आई विल अनम्यूट यू इन द एंड ऑफ द सेशन और आपके क्वेश्चंस का इंशाल्लाह रिप्लाई दिया जाएगा ठीक है जी हर चीजों का आपका रिप्लाई दिया जाएगा तो जिनको मेरे बारे में नहीं पता मैं अपने प्रोडक्शन बता देता हूँ माय नेम इज आगा शरीफ खान आई बिलोंग टू द 48th सीटीपी एंड करंटली लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑन इन अकाउंट सर्विस एंड वर्किंग एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल इन एजी सिंध इंग्लिश कंपोजिशन से शुरू करते हैं इंग्लिश कंपोजिशन इज कंसीडर्ड एज सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट इन सीएसएस आफ्टर इंग्लिश एसे एंड समटाइम्स इसका रिजल्ट जो है वो इंग्लिश एसे से ज्यादा डिजास्टर तो समटाइम्स क्या ऑल्टरनेट ईयर्स के ऊपर एक साल सी एसे का बड़ा बुरा रिजल्ट होता है या डिजास्टर होता है और एक साल इंग्लिश कंपोजिशन और प्रेसी का रिजल्ट होता है सो अगेन जैसा कि मैंने कहा कि इट रिक्वायर्स अ लिटिल मोर एफर्ट्स इन दिस सब्जेक्ट पहली चीज दूसरी चीज के जिस तरह करंट अफेयर्स में पाकिस्तान अफेयर्स में या इस्लामियात में चीजें याद करने वाली होती हैं ये वाहिद पेपर ऐसा है जिसमें बहुत कम अपार्ट फ्रॉम वोकैबुलरी और कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं होती आपके सामने चीजें होती हैं उसी को देखते हुए आपको आंसर लिखना है उसी को मोल्ड करते हुए उन चीजों को सही करना होता है अगेन इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट एज वेल एज अ बिट रिस्कियर एज वेल तीसरा जो इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है इंग्लिश ऐसे की तरह कि इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस फ्रॉम डे वन टू द लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन जस्ट बिफोर द एग्जाम यानी आज से अगर आप इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस ऑन वीकली बेसिस टिल एग्जामिनेशन कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप फॉर इंस्टेंस यू प्रैक्टिस प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर ग्रामेटिकल रूल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त फिर आप बोले मैं सितंबर अक्टूबर छोड़ देता हूँ ये छोड़ देती हूँ मैं नवंबर से दोबारा उठा लूंगा When you again restart your preparation of this subject in November, आप दोबारा zero level पर होंगे। आपके वो जो skills हैं वो deteriorate हो चुके होंगे। That is why it is different from the rest of the subject. It needs practice. जितनी आप ज़्यादा practice करेंगे, उतने ही you brush up your skills up
प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, उतने ही आपके ग्रामर के रूल्स जो है रिवाइज होते जाएंगे, उतने ही आपकी एक्सप्रेशन इंप्रूव होती चली जाएगी। ये बात याद रखिएगा। द सेम इज द थिंग विद इंग्लिश ऐसे, उसमें भी मैंने ये बोला था कि डे वन से लेकर एंड तक आपकी रिगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। सेम इज द केस विद इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन। अब सवाल ये होता है कि डेली पर, वीकली बेसिस के ऊपर किस तरह प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तीसरी चीज इस सब्जेक्ट के बारे में जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो इम्पोर्टेंट है कि दिस इज द मेन पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल्दो देयर आर टू पेपर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन, बट मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंग्लिश का पेपर है इट इज मोर टू डू, इंग्लिश एसे का पेपर है इट इज मोर टू डू विद आर्ग्यूमेंट्स, विद योर स्ट्रक्चर, हाउ यू कॉम्प्रिहेंड योर टाइटल, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन इंग्लिश एसे। उसमें लैंग्वेज का एक दो एरर्स भी आ गए बॉडी पैराग्राफ में तो चल जाएंगे। 2500 वर्ड्स का ऐसे है, आगे पीछे 3-4 एरर्स वहां पे चल जाएंगे। बट जो इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर है दैट रिक्वायर्स कमांड ओवर लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये असल अंग्रेजी का पेपर है, दिस इज द रियल एग्जाम ऑफ योर इंग्लिश रिटन स्किल्स। इसमें एक एक डेटेड लाइन का जवाब होता है, इसमें प्रेसी का पैराग्राफ मुश्किल से 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, 130 वर्ड्स का पैरा होता है, 20-20 नंबर होते हैं, और उसमें अगर 120 वर्ड्स में आपने कुछ स्पेलिंग के, कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स कर दी, कॉम्प्रिहेंशन के एक लाइन के, डेढ़ लाइन के आंसर में आपने एक दो ग्रामेटिकल एरर्स कर दिए, देन इट कंसीडर्ड एज अ ब्लंडर, फिर आप वो पेपर पास नहीं कर पाएंगे, या पास नहीं कर पाएंगे ये बोलना चाहिए, उस क्वेश्चन के नंबर आप ये सोच लें आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप 110, 120 वर्ड्स के प्रेसी के सवाल में 2-3 ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं तो आप ये अपने दिमाग में ना डालें कि वो आपको प्रेसी के नंबर देगा, फिर बचता ही नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन की डेल लाइन के सवाल में अगर आप 2 गलतियां कर रहे हैं तो आप ये भूल जाए कि वो जो 5 नंबर है या 4 नंबर है कॉम्प्रिहेंशन के एक क्वेश्चन के आंसर करने के, वो आपको रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेम इज द केस विद ग्रामर। 8 नंबर की ग्रामर है, उसमें 1 या 2 रूल्स चेंज करने होते हैं, अगर आप वहां पर मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम इट इज अ रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट एज वेल, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा कि भाई कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, सब चीज आएगी अगर रूल्स पता है, प्रैक्टिस पता है। यू जस्ट नीड टू राइट फ्रॉम द सेम पैसेज, चाहे वो प्रेसी का पैसेज हो उसी में से चीजें एक्सट्रैक्ट करके लिखनी है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज हो उसी में से चीजें एक्सट्रैक्ट करके लिखनी है, कोई चीज अपने पास से नहीं लिखनी, बट आपको कमांड ओवर लैंग्वेज होना चाहिए वो रूल्स से। 3-4 बातें रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। दूसरी मैं चीज बताने जा रहा हूं कि इस पेपर का डिवीजन क्या है। तीसरी चीज मैं बताने जाऊंगा कि व्हाट आर द मेजर ब्लंडर्स एंड द एरर्स कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं उसके ऊपर, डिवीजन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है वो मैंने यहां पर निकाल के भी रखा हुआ है। पेपर इज कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, हर पेपर सीएसएस का 100 मार्क्स का होता है, एंड 20 मार्क्स इज बेसिकली ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के होते हैं। अब जो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हैं उसमें 20 मार्क्स की आती है वोकैबुलरी, 10 आते हैं सिनोनिम्स और 10 आते हैं एंटोनिम्स। अच्छा, 20 मार्क की वोकैबुलरी हो गई, बाकी का पेपर है 80 मार्क्स का। अच्छा, 80 मार्क्स के पेपर में थोड़ी सी चेंजेस भी होती रहती हैं। कैसे? कुछ सवाल ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में 80 मार्क्स में ना, डिस्क्रिप्टिव में। फॉर इंस्टेंस 20 मार्क्स प्रेसी के वो होगी ही होगी, 20 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन के वो होगी ही होगी, 10 मार्क्स ट्रांसलेशन की वो होगी हो, कितने हो गए 50 मार्क्स, बाकी बच्चे आपके 30 मार्क्स। उन 30 मार्क्स में वेरिएशन होती है। 30 मार्क्स में क्या क्या वेरिएशन वाले क्वेश्चंस हैं? एक तो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है कि वो इस तरह के सेंटेंसेस आपको दे देगा, ही एंजॉयड ड्यूरिंग हॉलीडेज, भाई इसमें क्या गलती है बताओ, जब भी एंजॉयड आता है तो उसके बाद प्रोनाउन रिपीट होता है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, None of the boys had learned their lessons. क्या गलती है भाई, जब भी none of the boys आता है तो singular pronoun use होता है, plural नहीं होता, तो none of the boys had learned
हिज लेसन। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 30 नंबर जो बचे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। पंक्चुएशन टेस्ट की जा सकती है आपकी सेंटेंसेस के थ्रू भी और पैराग्राफ्स के थ्रू भी। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ने पैराग्राफ दिया हुआ है, वो आपको टेस्ट कर सकता है। प्रीपोजिशन आपकी टेस्ट की जा सकती है पैराग्राफ में भी और सेंटेंसेस के थ्रू भी, जैसा कि यहाँ पे उसने प्रीपोजिशन टेस्ट की भी है। इसके अलावा इडियम्स आपके आ सकते हैं, वो 5 इडियम्स दे देगा आपको, उसकी ट्रांसलेशन एज वेल एज सेंटेंसेस भी पूछा जा सकता है आपसे। वो जो है वो एनालॉजी का सवाल आ जाता है, एनालॉजी क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर कंफ्यूजिंग सेंटेंस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं कि भाई 2 कंफ्यूजिंग वर्ड्स है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, EXCEPT ACCEPT, साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, क्या दोनों में डिफरेंस है, उनके सेंटेंसेस बनाए जाए। तो 30 नंबर में इवन नरेशन भी आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है, वो भी इसमें शामिल है। तो इन 30 नंबर में ये वेरी करते रहते हैं, कभी वो इडियम्स हटा देता है, नरेशन इंक्लूड कर देता है, नरेशन हटा देता है, एनालॉजी इंक्लूड कर देता है। तो इट्स अप टू द एग्जामिनर। जैसे यहाँ पर 2019 का पेपर आपके सामने खुला हुआ, तो यहाँ पर एनालॉजी नहीं है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं है, पंक्चुएशन प्रीपोजिशन और idioms उसने जो है वो रखे, ठीक है। तो 30 नंबर के ये क्वेश्चन वेरी करते हैं। तो 20 नंबर की आपकी वोकैबुलरी हो गई, उसके बाद से प्रेसी का क्वेश्चन कांस्टेंट है, कॉम्प्रेंशन का क्वेश्चन कांस्टेंट है, ट्रांसलेशन आनी ही आनी है। बाकी के 30 नंबर में कंफ्यूजिंग वर्ड्स, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशंस, idiom, एनालॉजी और नरेशन, ये है इसका जो है वो आपके सामने जो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ होगा MCQs, Pressive, Comprehension, Correction, Punctuation, Narration, Pair of Words, Analogy और Translation, Pair of Words का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि Confusing Words जिस तरह के यहाँ पर आते हैं, ठीक है जी। तो यह है Division of Paper इस Subject का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैंने कहा था कि Start में कि What are the जर्नल एरर्स एंड द जर्नल मिस्टेक्स एंड द कॉमन एरर्स एंड कॉमन मिस्टेक कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैं जरा एक सेकंड के लिए रोकूंगा, एक और पॉइंट आपको बताऊंगा। देखिए ये पेपर ऐसा है, या मैं इस पेपर को इस तरह कंसीडर करता हूँ, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, कभी भी मैं अंग्रेजी के किसी भी पेपर में फेल नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और कंपोजिशन के खास तौर पर पेपर में ऐसे में देखिए, जब आप ऐसे कर कर आते हैं ना पूरा पेपर, तो आपको नहीं पता होता whether you qualify this exam or not. It's up to the perception of the examiner, writing skills, your comprehension skills, कि भाई मैंने टाइटल सही से समझा नहीं समझा, examiner के। But composition का पेपर ऐसा नहीं है, composition का पेपर बड़ा calculated पेपर है। मैं बताऊंगा किस तरह calculated पेपर है। इस तरह का calculated पेपर है कि जैसे ही आपने 3 घंटे में पेपर करके खत्म हुए, yourself can predict whether you qualify this exam or not. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इवन यू कैन प्रिडिक्ट योर नंबर एज वेल, क्योंकि यहाँ पर 2+2=4 वाला फॉर्मूला, इट इज लाइक मैथमेटिक्स। देखिए ना, जब फॉर इंस्टेंस मैंने आपको ये चीज बताई, अभी मैंने आपको पेपर दिखाया, अब ये चीज मैंने आपको बताई, नन ऑफ द बॉयज हैड लर्न्ड हिज लेसन। अगर आपने नन ऑफ द बॉयज हैड लर्न्ड हिज लेसन नहीं किया, उसके अलावा कुछ भी चीज लाए, तो आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आपने वो लिख दिया है, तो आपको एक पूरा 1 out of 1 नंबर, जितने भी नंबर है 2 out of 2 या 3 out of 2 सेंटेंस, वो आपको नंबर मिलेगा। सो इट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, देन एंड देयर यू कैन से विद कॉन्फिडेंस एंड विद सर्टेनिटी, भाई ये पेपर या तो मेरा पास हो गया है या फेल हो गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट आर द जनरल एरर्स एंड जनरल ब्लंडर्स। जनरल एरर्स और जनरल ब्लंडर्स बच्चों के ये है इस पेपर के अंदर कि दे वेस्ट देयर टाइम ऑन unimportant sections of Prezi and composition. They neglect the most important parts of the paper of English Prezi and composition. देखिए अभी हमने division of paper पढ़ा है, ठीक है, हमने देखा है कि 20 नंबर की vocabulary है, 20 नंबर की Prezi है, 20 नंबर का comprehension है और 10 नंबर की translation है, ये बन जाते हैं 70 मार्क्स, 20 वोकैबुलरी, 20 प्रेसी 40, 20 कॉम्प्रिहेंशन 60, 10 नंबर 10 मार्क्स ट्रांसलेशन, ये बन जाते हैं 70 मार्क्स, ठीक है। स्टूडेंट्स नॉर्मली हु लैक गाइडेंस, हु डू नॉट हैव एनी रिसोर्स ऑफ गेटिंग गाइडेंस और
करेक्ट व्यू ऑफ बात बताने वाला बंदा नहीं होता उनके पास, या अकेडमीज भी और कुछ टीचर्स भी अनफॉर्चुनेटली उनको मिसगाइड करते हैं, वो ये 70 मार्क्स को निग्लेक्ट करते हैं एंड दे वेस्ट देयर टाइम बाय रीडिंग होल बुक्स ऑफ ग्रामर। रेनन मार्टन पूरी की पूरी पढ़ेंगे, काफी आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे बोलेंगे मैंने दो दफा रेनन मार्टन खत्म की है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। कोई बोलेगा मैंने जो है माइकल स्वान की बुक खत्म की, अगेन वेल एंड गुड। दे वेस्ट देयर टाइम इन रूट लर्निंग ऑफ इडियम्स, रट्टा मारते रहेंगे इडियम्स का, बोलेंगे तुम्हें कितने इडियम्स याद है, 500, मुझे तो 1000 याद है, दूसरा बंदा आएगा मुझे 1500 इडियम्स याद है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर टाइम जाया करेंगे, भाई कितने याद है, 5 याद है, 500 याद है, मुझे 1000 याद है, मुझे 1500 याद है, मैंने वो सादत की बुक आती है उससे मैंने पूरे कंफ्यूजिंग वर्ड्स याद कर लिए हैं, ठीक है, इडियम्स के रट्टे मार रहे होंगे। इसी तरह जो है वो प्रीपोजिशन के ऊपर टाइम जाया कर रहे होंगे। अब आप देखें कि जो 70 मार्क्स है, जो 70% ऑफ पेपर है वो पूरा निग्लेक्ट करके बैठे, और जो 30 मार्क्स है जिसमें क्वेश्चंस भी वेरी कर रहे होते हैं उसके ऊपर वो बहुत टाइम जाया कर रहे होते हैं, एंड दे आर कीप लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, और बहुत ज्यादा रूल्स ऑफ ग्रामर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं आप जब मेरा सेशन ज्वाइन करेंगे मुश्किल से 20 से 25 रूल्स है, उन 20 से 25 रूल्स में भी कुछ 5 रूल्स ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, उनमें से 2 या 3 तो हर साल एग्जाम में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आएगा। तो अगर वो 25 रूल आपने याद कर लिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो जो करेक्शन ऑफ सेंट आप सही करें, उसके लिए आप वेस्ट ऑफ टाइम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो 70 मार्क्स वाला पोर्शन है जिसमें वाकई हार्ड वर्क चाहिए, पैसी कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन, उसको वो स्किप कर देते हैं। फिर जब आखिर में पेपर देकर आओगे, भाई आपने कितनी पैसी की प्रैक्टिस की थी, सर मैंने तो 1 पैसी लिखी थी, मैंने 2 पैसी लिख के चेक कराई थी, मैंने 4 पैसी लिख के चेक कराई थी, मैंने 5 पैसी लिखे, ऐसे तो नहीं। आपने उसमें सही अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट करना है। आज मैं आपको कह रहा हूं ये बैच भी आप ज्वाइन करें, लेकिन आपने कम से कम वीकली बेसिस के ऊपर 2 से 3 प्रेसी लिखकर चेक करवानी है एग्जाम तक। मैं अपनी बात कर लूं, मैंने 2018 में भी और 2019 में भी 1973 से लेकर 2017 तक 2 दफा प्रैक्टिस की, 1973 से 2018 तक, फिर 2018 से दोबारा 1973, इस तरह मैंने कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी की प्रैक्टिस की। देन As far as the vocab is concerned, मैं हमेशा कह चुका हूं जब भी अपनी प्रिपरेशन के दिन का आगाज करो, to start your day with vocab, ठीक है, हमेशा जब स्टार्ट करो गिव at least 20-30 minutes and not more than that, 20-30 मिनट आप vocab को दें डेली बेसिस के ऊपर, अगले दिन पिछली वाली vocab को रिवाइज कर लें, आप देखें आप कम से कम आप जो है वो 15 से ज्यादा स्कोर करेंगे अपने इंग्लिश क्वेश्चन में, पोजीशन के पेपर में। और अब तो वोकैब की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एमपीटी में भी वोकैब शामिल है, तो ना सिर्फ आपको यहाँ फायदा होगा, आपको एमपीटी में भी शामिल होगा। कहने का मतलब ये है कि इफ यू फोकस योर एफर्ट्स, इफ यू इन्वेस्ट योर एफर्ट्स इन वोकैब, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन इन ट्रांसलेशन, यू कैन नेवर एवर फेल दिस पेपर। कैसे मैं बताता हूं, मैं हमेशा जब भी इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन की जो प्रिपरेशन करता था, मैं कैसे करता था, वोकैब 20 मार्क्स की आई ऑलवेज टारगेट, आई हैव टू स्कोर एटलीस्ट 15 मार्क्स और मोर देन 15 मार्क्स इन वोकैबुलरी। मैं 15 का टारगेट करता था, 15 से ज्यादा आ जाए तो वेल एंड गुड। प्रेसी में 20 आउट ऑफ मैं 10 टारगेट करता था, 10 एक एवरेज स्कोर है लेकिन अच्छा स्कोर है, मैं कहता था 10 और अबव 10 मेरे आने चाहिए, मैं 10 से कभी भी लो स्कोर नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 15 मार्क्स उसके, 10 मार्क्स प्रेसी के, कितने हो गए 25 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, अगेन आई टारगेट 10 मार्क्स और मोर देन 10 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क्स लगा देते हैं, कितने हो गए 35 मार्क्स, यानी 3 क्वेश्चन को मिला के आपके मार्क्स कितने हो गए 35। अब पूरे पेपर से आपको कितने मार्क्स लेने, सिर्फ 5 नंबर लेने, और वो मेरे लिए बड़ा आसान होता था 5 नंबर लेना पूरे पेपर से। इवन आप 50 से अबव जा सकते हैं इस पेपर में, कहने का मतलब यह कि टू बी ऑन द सेफ साइड, यू कैन नेवर एवर फेल दिस एग्जाम इफ यू अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी कि यार मैं वोकैब में 15 मार्क्स को टारगेट करूं, प्रेसी में 10 मार्क्स, अगेन आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप ज्यादा स्कोर करें, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, कॉम्प्रिहेंशन में 10 मार्क्स, 15 10 10 कितने हो गए 35 मार्क्स, बाकी 5 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है इस पेपर में। मैं कह रहा हूं कि 15 से 20 रूल वो याद करो, आपका 100% जो है वो क्वेश्चन सही होगा, किसका, करेक्शन ऑफ सेंटेंस का, इडियम्स
अगेन आपको याद है कुछ चीजें, ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स है आपकी, वो भी सही हो. यू कैन इजिली स्कोर 50 प्लस मार्क्स इन दिस एग्जाम. फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है. बच्चे को फेल होता है मैंने आपको बताया, प्रेसिंग पे फोकस नहीं करेंगे, वोकैब पे फोकस नहीं करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करेंगे, वो इडियम्स पर, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर, इधर उधर की चीजों पे फोकस करेंगे. 70% चीजों को भूल गए, बाकी चीजों पे किया, पेपर आया वो चीजें सही हो गई, 70% वाली चीजें गलत हो गई. एंड द एंड इसको 30, 28, 27 और फिर पूरी दुनिया को बताते रहेंगे जी आई हैव वर्क सो हार्ड एज फार एज द कैमरा ने मुझे फेल कर दिया और ये और वो. एग्जामिनर तो आपको फेल करेगा क्योंकि तो आपने अपने एफर्ट सही डायरेक्शन में तो लगाए ही नहीं. मैं आपको बताता हूं, जवैया में बताता हूं, नहीं नहीं मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, एक साल कोई आप 2021 की अगर आप जर्नलाइज कर लें केस को, 2021 में बहुत कोई मुश्किल उन्होंने कैप दे दी थी और आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी एग्जाम पेपर का निकालते हैं, जो मैं कैप की आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप 15 प्लस आप स्कोर करें. ऐसा हो ही सकता आप 15 प्लस स्कोर ना करें. इवन जो 10 नंबर के सिनोनिम्स है वो मुश्किल होते हैं, एंटोनिम्स तो कभी भी मुश्किल नहीं होते. एंटोनिम्स के सिर्फ आप ऑप्शन देकर बता सकते हैं इसका आंसर क्या है. चार तीन एक तरफ जा रहे होते हैं, एक बिल्कुल आउटलायर होता है इसके. एंटोनिम्स तो कभी भी मुश्किल नहीं होते अटेम्प्ट करना. ऑलवेज देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व एज फार एज द सिनोनिम्स इज कंसर्न, उसके अंदर तो कभी भी वो नहीं होता. पहले हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है. इन सेकेंड फेज वी हैव डिस्कस द डिविजन ऑफ द सब्जेक्ट. एंड द थर्ड फेज we discuss the common errors and general errors committed by the students and what you should have done in order to score high, in order to secure yourself in English paper. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एक जुमला कहता हूँ उर्दू में कि अंग्रेजी के ऊपर से दो पेपर पास करो और नीचे ऑप्शनल में स्कोर करो, you can land, you will easily land in your desired group. कोई मसला नहीं, ठीक है ना. अंग्रेजी के दो पेपर से पास करने और ऑप्शनल्स में स्कोर करना है और कोई बड़ा काम नहीं है सीएसएस के अंदर. अंग्रेजी को पास किस तरह करना है ऐसे भी बता चुका हूँ, मेरा पूरा लेक्चर है, दूसरा बैच भी स्टार्ट हो चुका है. कॉम्प्रिहेंशन कंपोजिशन को किस तरह पास करना है आज मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ. अच्छा जी, तो ये तो हो गई चीजें. अब बात आ जाते हैं वन बाय वन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या होगा. वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को आपने क्या करना है. वोकैब को जैसा कि मैंने कहा कि भाई डेली बेसिस के ऊपर रोजाना सुबह उठ के 20 मिनट आपने वोकैब को देने, ये पहली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ. 20 मिनट्स आप पढ़े जीआरई की, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये जीआरई वर्ड लिस्ट, जीआरई की बुक लें, उसमें से अल्फाबेट वाइज होते हैं, आपको पढ़े आराम से, रट्टा ने मारे आराम से पढ़े, वर्ड मीनिंग सोचें, उसका यूजेज देखें, उसकी सेंटेंस देखें. नेक्स्ट डे जब लेकर बैठे तो पुरानी वाली वोकैबुलरी को रिवाइज कर. ये तो एक करेंगे आप दिन में 20 मिनट्स की प्रैक्टिस या 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की एक्सरसाइज. इसके अलावा ड्यूरिंग द होल डे Whatever you read online, hard copy के ऊपर, magazine, newspapers, articles, research reports, उसमें से कोई भी word, if you find any difficult word or any word जिसकी आपको meaning नहीं पता, तो उस word को आपने अलग से अपना register बना लेना है जिसके ऊपर आपने लिख लेनी है उसकी meaning लिखनी है. आप पैसी अटेम्प्ट कर रहे हैं, पैसी में आपको कोई दो तीन वर्ड्स ऐसे लगे जिसकी आपको मिली नहीं पता, पैसी अटेम्प्ट कर ली, आपने गूगल किया और वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिख ले अपने रजिस्टर के ऊपर. तो एक तो आपकी जीआरई की वर्ड लिस्ट तो वोकैब बन रही है और एक डेली बेसिस के ऊपर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके आप रजिस्टर पे नोट डाउन कर रहे हैं. और याद रखिए, काफी बच्चे बोलते हैं वोकैब सिर्फ 20 मार्क्स के लिए नहीं है, पैसी के में भी जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसमें भी आपको वोकैब हेल्प करेगी, कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगी, हर जगह हेल्प करेगी. प्रैक्टिस के ऊपर प्रेसी की बात कर लेता हूँ, मैं ग्रामर्स की मैं आगे बात करूंगा. ठीक है, प्रेसी की प्रेसी का इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है. जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न द रूल्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेसी. And the next thing is practice.
हमारे कोर्स में हम क्या करेंगे, हम जो है पैसिव के रूल्स डूज एंड डोंट्स पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर डेढ़ से दो घंटे का आपको बताएंगे। उसके बाद हम 5 ईयर्स की प्रैक्टिस करेंगे, पैसिव की आपके सामने सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आपसे 1 या 2 मॉक्स लिए जाएंगे। After the session, if you want to get your PESCs checked, हमारा अलग से assessment and evaluation desk है, उसमें आप आए अपनी composition और PESCs के papers check कराएं, again वो पूरा evaluation desk बना हुआ है, जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। Comprehension again do's and don'ts का एक lecture होगा, उसके बाद से 5 years की practice में आपके सामने screen के ऊपर solve करूँगा, 1 से 2 mocks होंगे। Again if you want to get your PESCs and check after the completion of the session, evaluation and enrollment desk में आए, register करने उसमें अपने आप को revolve कर सकते हैं। प्रैक्टिस ग्रामर्स के हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर्स से, कॉमन एरर्स द यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, इसको पढ़ेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग गलती करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के पढ़ेंगे। रिलेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन एक लेक्चर कॉम्प्रेंसिव होगा, सेम इज द केस विद प्रीपोजिशन का लेक्चर होगा, और उसके बाद इनकी भी 5-5 साल की प्रैक्टिस करेंगे, यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की 5 साल की प्रैक्टिस करेंगे, इडियम पंक्चुएशन की, प्रीपोजिशन की, निरेशन की, ट्रांसलेशन की, सबके रूल्स पढ़ के हर चीज करके इनकी 5 साल की प्रैक्टिस करके आपसे 2 मॉक्स लेकर, ताकि आप इस श्योर हो जाए कि हाँ ये जो रूल्स है वाकई ही ये एग्जाम में आते हैं। मैं आपको पूरा चीजें दिखा भी दूंगा और इन कॉम्प्रेंसिव से आपकी प्रिपरेशन की जाएगी। क्या आपका उसके बाद से आप एग्जाम में स्कोर कर लेंगे? द आंसर इज यस। इस टाइप के साथ कंडीशन क्या है, इफ यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस टिल एग्जाम, जो मैंने चीजें पढ़ाई है यहाँ पर सीखेंगे, मॉक्स देंगे, उसको एग्जाम तक कंटिन्यू करेंगे, यू कैन इजिली स्कोर 50+ मार्क्स इन इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। टारगेट एरियाज क्या है, 4 टारगेट एरिया है, वोकैब, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन। इसके अलावा जो 30% पोर्शन है उसकी जो मैं चीजें पढ़ाऊं, अपने आप को उसी तक फोकस रखें, इंशाल्लाह यू कैन इजिली क्वालिफाई द पेपर ऑफ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। अब तैयबा के सवाल के ऊपर आते हैं कि सर इंग्लिश राइटिंग को कैसे बेहतर करें, टू राइट मोर, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, आर्टिकल, रिसर्च रिपोर्ट, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, उसमें वो कहते हैं ट्राई टू रीड बिटवीन लाइंस, एग्जामिनर ऑथर के राइटिंग स्टाइल को देखें, उसको समझें, उसमें जो अच्छी फ्रेजेस है उसको नोट डाउन करें, एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज फ्रेजेस, इनकॉर्पोरेट दीज वर्ड्स इन योर ओन राइटिंग, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि आपकी जो राइटिंग स्ट्रेटजी है, आपकी जो राइटिंग एक्सप्रेशन है वो इंप्रूव होती जाए। तो इसके लिए आपको फोकस्ड और क्या कहना चाहिए, इंटेंशनल एफर्ट्स चाहिए व्हाइल रीडिंग। सर इन दिस सेशन थी कैन वी रेगुलेट आवर पैसिव, नहीं जी सही कहा है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी कोर्स में कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम तक हो। जैसा कि मैंने कहा, ये कोर्स 1 मंथ का कोर्स है जिसमें हर चीज आपको सिखा दी जाएगी, 5 ईयर्स की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू गेट योर वर्क चेक्ड, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, एसए हो, प्रेसी हो, उसके लिए इवैल्यूएशन असेसमेंट डेस्क की पूरी टीम बैठी है, आप वहां आए, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, अपनी प्रेसी वगैरह सारी चीजें आप चेक करा सकती हैं आफ्टर दैट बैच। तो आज इसकी डेमो सेशन था, अगेन आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। जो क्लासेस हैं वो 10 मुहर्रम के बाद से शुरू होंगी, यानी वेडनेसडे से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस शुरू होंगी। वो कल और परसों जो है वो तो इंटरनेट की फ्लक्चुएशन है, इंटरनेट भी बंद होगा काफी शहरों के अंदर, सो द क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे इंशाल्लाह। किसी बच्चे को भी रजिस्ट्रेशन करानी है, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ हमारी एकेडमी का, डू मैसेज मी, और आपको जो है फीस है पर वीक, हाउ मेनी लेक्चर, मैंने आपको पूरा डिटेल जो है वो प्लान भी दे दूंगा, हमारी वेबसाइट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां पे जाए पूरा डिटेल रोड मैप भी अवेलेबल है कि किस तरह चीजें होंगी। तो बाकी सारी चीजें आपको जो है सेंड कर दी जाएंगी, मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जी 2 grand ones लेकिन रोजाद, मैंने हमेशा कहा है कि देर आर वेरियस ओपिनियंस एज फार एज द टीचर इज कंसर्न, बट जो
एटलीस्ट टू सेंटेंसेस होने चाहिए आपके आंसर में, मे बी मोर देन टू सेंटेंसेस हो सकते हैं बट एटलीस्ट टू सेंटेंसेस। काफी बच्चे ये ब्लेंडर करते हैं कि अगर उनके आंसर्स को निकाला जाए और उससे पैराग्राफ बनाया जाए तो पैसेज से भी बड़ा पैराग्राफ बनता है। तो जब पैसेज में उसने वो बातें नहीं कही और आप अगर उससे ज्यादा लिखकर उसको बता रहे हैं तो ब्लेंडर। कॉम्प्रिहेंशन का सबसे पहला रूल होता है कि नेवर इनकॉर्पोरेट योर ओन ओपिनियन, और अगर आप उसकी बात से ज्यादा लिख रहे हैं इसका मतलब आपने अपना ओपिनियन इनकॉर्पोरेट किया। सर एडिटोरियल पढ़ के खुद डेली हाफ आवर लिखने से प्रूफ नहीं, ये सब चीजें नहीं है, मैं जब चीजों को नहीं मानता। लोग अक्सर बोलते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ के उसको अपनी राइटिंग में लिखे, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना, ऐसे कभी भी राइटिंग प्रूफ नहीं होती। यू हैव टू प्रैक्टिस जो एग्जाम में आना है, प्रेसी को अटेम्प्ट करें, पास्ट पेपर्स की राइटिंग इंप्रूव होगी, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अपने कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करें, एसेज अटेम्प्ट करें, उससे राइटिंग होगी। एडिटोरियल वगैरह पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, उनसे सीखें, उनसे एक्सप्रेशंस को नोट डाउन करें, ठीक है जी। फीस ऑलरेडी टू लो जी, फीस हमने बहुत कम रखी है इस दफा, वैसे तो फीस इसकी बहुत ज्यादा होती है, मॉक्स भी ज्यादा होते हैं, लेकिन कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से फीस हमने कम की है और उसका थोड़ा सा ड्यूरेशन भी कम किया, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है? मैं अगेन व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिसको भी है आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह we will start our first class, regular first class, or pehli class pressy ki hogi inshallah Wednesday wale. Till then, Allah Hafiz, take care. So from where we get information for essay, Saida Hina, मैं आपको दिखा देता हूँ सब लोगों को, हमारी वेबसाइट है, वहां पे हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन सेशन भी है और जो है वो वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, csbrindri.com है, आप जाएंगे वो ओपन हो जाएगी बड़ी इजीली, तो आप जाएं वहां पर हर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का जो है वो पढ़ा हुआ। हमारे एसए का भी सेकंड बैच चल रहा है, फर्स्ट बैच भी इन प्रोसेस तकरीबन खत्म होने वाला है, सेकंड बैच वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर सेकंड बैच ऑफ एसए, तो वहां पर आप जाएं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे csbrindri.com का मैंने लिंक भी शेयर कर दिया। चलें, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह विल बी इन द फर्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।